अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत मज़े की गाजर के हलवे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ही मज़े का क्विक बन जाता है और आप इसको बहुत मज़े से बना सकते हैं, इतना कोई हैक्टिक इसका काम नहीं है। क्योंकि ये वाली रेसिपी बहुत ही अच्छी है, इसे ट्राई करें। क्योंकि ये मैंने जो है तकरीबन 3-4 रेसिपीज़ रिजेक्ट करने के बाद रेसिपी इन्वेंट की है और दिस इज़ अ वेरी एक्सीलेंट रेसिपी और ये बड़े क्विकली बन जाता है। तो आपके पास गाजरें मैंने ली हैं 1/2 किलो, क्योंकि सर्दियों का मौसम है तो गाजरें बड़ी अच्छी आ रही हैं। स्पेशली गाजरें आती हैं इसकी गाजर के हलवे की अलग से गाजरें होती हैं जो कि रेड होती हैं और छोटी होती हैं सीजनल। अगर आप विदाउट सीजन लें तो जाहिर है आपका वो वाला टेस्ट नहीं आएगा, वो वाला टेक्स्चर भी नहीं आएगा गाजर के हलवे का जो हमें चाहिए। मैंने 1/2 किलो गाजर ली, इनको कद्दूकश कर लिया, उसका सेंटर का जो पार्ट होता है सख्त सा वो मैंने निकाल दिया है। अगर आपके पास हो तो वो आप निकाल दीजिए और ऊपर से सारी जो रेड पार्ट है उसको आपने कद्दूकश कर लेना है। और जो सीजनल गाजरें होती है उस पर वो अंदर वाला पार्ट होता भी नहीं है। तो अगेन दिस इज़ 1/2 kg। मैंने दूध लिया है तकरीबन 1.5 कप, 1.5 कप ये मलाई वाला दूध है, ऊपर से मैंने क्रीम वाला जितना भी दूध होता है वो निकाल लिया था। तो अगर आप टेट्रापैक यूज़ कर रहे हैं टेट्रापैक का मिल्क, तो आपने 1 कप मिल्क लेना है और 1/2 कप क्रीम लेनी है टेट्रापैक वाली, तो ये आपका मलाई वाला दूध सा बन जाएगा। 3/4 कप मेरे पास जो है वो शुगर है, शुगर 3/4 कप इनफ होगी। अगर आपकी गाजरें मीठी हो तो हम इसको ऑटोमेटिकली के लिए कम कर लेंगे, वो हम प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से हम इसको कम कर सकते हैं। तो अगेन दिस इज 3/4 कप, 1 कप से ज़रा सा कम। 1/2 कप मैंने घी लिया है, असली घी। आपको अगर रेगुलर घी मिलता है आपको तो आप रेगुलर घी ले लें, उससे भी टेस्ट अच्छा आ जाएगा, लेकिन असली घी का ज़रा इसमें अरोमा बहुत अच्छा आता है हलवा में। और मैंने 4 तकरीबन इलायची ली हैं, इनको मैं तोड़ के डालूंगी। तो ये टोटल इंग्रीडियंट्स हैं हमारे पास। अब अपनी रेसिपी स्टार्ट कर दें। फिर पैन ले लिया है, आप कोई सा भी आपके घर में पैन हो वो ले लें, चाहे तो देगची ले लें। इसके अंदर मैं 1/2 कप घी डाल रही हूँ। 1/2 कप घी डाल के उसके बाद मैं इसके अंदर डालूंगी इलायचियाँ तोड़ के डालूंगी ताकि अच्छा सा उसके सीड्स वगैरह जो है ना वो बाहर आ जाए। अब मैंने इसको इतनी देर पकाऊंगी कि ये गाजरें ये जो वो हैं हमारी इलायचियाँ ये अच्छे से कड़कड़ाने लग जाएं। इलायचियाँ जो है वो अच्छे से कड़कड़ाने लग गई हैं, तो मैंने इसका फ्लेम बिल्कुल लो कर दिया है, लो फ्लेम पर बनाएंगे। अब मैं साथ ही इसके अंदर डाल रही हूँ सारी जो गाजरें हैं। गाजरें डाल के मैं इसको इतनी देर पकाऊंगी हल्की आंच पे कि ये गाजरें जो है वो गल जाएं और सारा अपना पानी छोड़ दें, ये अपने ही पानी में गलेंगी। और हम इसको ऐसे ही पकाएंगे हल्की आंच पे, बिल्कुल हम इसे ढकेंगे नहीं बिल्कुल, क्योंकि इसके अंदर पानी है तो इसका पानी एवेपोरेट नहीं होगा और ये गलेंगी भी नहीं। तो आप देखते जाएँ ये हल्की आँच पर पक रही है गाजरें। तकरीबन गाजरों को 1/2 घंटे तक पकाया है हल्की आंच पे, इतना कि वो सॉफ़्ट हो जाए, उनका जो सारा पानी था वो निकल गया। बीच बीच में मैं चलाती रही हूँ। अब मैं उसके अंदर डाल रही हूँ तकरीबन 1/2 शुगर और साथ ही थोड़ा सा दूध, दोनों को मैं मिक्स करके अच्छे से चला दूँगी, इतना कि ये जो है वो मिक्स हो जाए अच्छे से। अगर आप मिल्क नहीं डालेंगे इस टाइम पे तो गाजरें ऑटोमेटिकली कलर चेंज कर देंगी, डार्क हो जाएंगी और थोड़ी सी क्रिस्पी सी हो जाएंगी। तो हम दोनों चीज़ें इकट्ठी डालेंगे। मैंने हसबे ज़ायका शुगर डाली है, थोड़ी सी बचा ली है, मैं देखूँगी एंड में कि गाजरों में ज़रूरत है शुगर की कि नहीं, क्योंकि जो ये सीजनल गाजरें हैं वो वैसे भी मीठी होती हैं और दूध की भी मिकदार उसके हिसाब से डलेगी, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली जितना मैंने हिसाब बताया है वो परफेक्ट है। और मैं अब इसको आहिस्ता आहिस्ता डाल के भूनती जाऊँगी। अब मैं थोड़ी देर वेट करूँगी इतना कि ये जो है ना ड्राई हो जाए और गाजरें पकना शुरू हो जाएँ दूध में। मैंने हलवे में सारे इंग्रीडियंट्स डाल दिए थे, ऑलमोस्ट पूरी शुगर भी चली गई थी और मिल्क भी पूरा चला गया था, तो अब ये काफ़ी लिक्विडी सा हो गया था और गाजरें भी गलने के पोजीशन में नहीं थी, सॉफ्ट हो गई थी लेकिन उसके अंदर कचान थी। तो अब मैं इसको इतनी देर भूनूंगी कि ये सारा जो है ये लिक्विड जो है उसका ख़त्म हो जाए और ऑटोमेटिकली आपको साइड्स पे ऑयल दिखने लग जाएगा। तो आपने उस हद तक भूनना है जब ये ड्राई सा मिक्सचर हो जाए। अब ये भूनने के स्टेज पर आ गया, हमें इसे कंटिन्यूसली ज़्यादा फ्लेम में फुल फ्लेम ऑन करके और उसे भूनती जाऊँगी अंटिल के ये पूरा रेडी हो जाए और एक प्यारी सी इसके अंदर जो अरोमा आता है हलवे का
टिपिकल वो आना शुरू हो जाए। मैंने इसको इतनी देर पकाया कि इसका सारा जो लिक्विड था वो ड्राई हो गया है। अब ये भुनने की स्टेज पे आ गया है। आप देख सकते हैं यहाँ साइडों पे इसकी ऑयल आना शुरू हो गया। इट मीन्स कि ये बस अब इस स्टेज पे है कि हमने सिर्फ इसको भूनना है और इसके अंदर सारा जो लिक्विड सा है, इसका पानी और दूध का मिक्सचर, वो सब ड्राई हो जाएगा। तो आपने इस इतने टाइम तक करना है। दूसरा मैं बता दूँ, इतने टाइम तक आपने इसको भूनना है कि इसके अंदर इसके अंदर से एक पकने का जो अरोमा होता है या जो खुशबू होती है गाजर के हलवे की, वो आना शुरू हो जाए। तो बस मैं इसको भूनूंगी और इंशाल्लाह फिर हम इसको सर्व करेंगे। तकरीबन 5 मिनट में ये इट्स रेडी टू सर्व। गर्मा गर्म गाजर का हलवा तैयार है। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। साथ ही मैंने इसके अंदर बॉयल एग्स रखे हुए हैं, क्योंकि लाहौर में मैंने एक दो जगह पे इस तरीके से खाया है हलवा, जहाँ पे ये लोग बॉयल एग्स भी साथ सर्व करते हैं और बीच में भी डालते हैं। तो आई विल से कि आप उसको गार्निश में डाल लें, जैसे भी आप लोग उसको पसंद करते हैं। तो ये हमारा गाजर का हलवा तैयार है। अगर आपको जो है वो लगे कि आपकी गाजरें कच्ची हैं, तो आप थोड़ा सा दूध उसमें और डाल लें, और दूध की कंसिस्टेंसी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, शुगर की कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि गाजरों पर डिपेंड करता है अगेन कि हमको कितनी ज़्यादा शुगर चाहिए, और दूध पे दूध भी गाजरों पे ही डिपेंड करता है। क्योंकि गाजर अगर वाटरी होंगी तो ऑटोमेटिकली दूध हमारा कम जाएगा, लेकिन बाहर दूध जितना भी ज़्यादा हो उससे ना खोए वाला इफेक्ट आ जाएगा। ये मैंने खोया ले लिया है, इसको मैं इधर लगा रही हूँ। आप चाहें तो भूनते टाइम या उसको जस्ट बिफोर सर्विंग भी खोया डाल दें, लेकिन खोया इस तरीके से अगर आप ऊपर डालेंगे तो फिर उसका जो कलर है वो डार्क नहीं होगा, बल्कि वाइट ही रहेगा। तो आयल से क्या बीच में ना डालें, डाल सकते हैं ज़रूर, लेकिन इस तरीके से अगर आप सर्व करेंगे तो ज़रा ऊपर से फ्रेश लुक आएगा खोए का, और खोया अपना वो नहीं चेंज करेगा। साथ ही मैं इसके अंदर बादाम डाल रही हूँ, ऐसे मैंने क्रश कर लिए, और ये रेसिपी इज़ रेडी। आपको ये रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस विंटर्स, और मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, या कोई भी सवाल हो तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।